हेलो एवरीवन, क्लास इलेवेंथ स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर द एड्रेस में महत्वपूर्ण कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन होगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के कहानी वक्ता का चरित्र चित्रण दीजिए। आइए देखें, बहुत ही सुंदर और सरल कैरेक्टर स्केच। हेडिंग है इंट्रोडक्शन परिचय। द नरेटर मार्गो मिंको इज अ जेविश गर्ल। तो कथावाचिका कहानीकार मार्गो मिंको एक यहूदी लड़की है। शी लिव्स इन हॉलैंड विथ हर मदर। वे अपनी माँ के साथ हॉलैंड में रहती हैं। शी फेसिस द पेन सफरिंग्स एंड लॉसेस। वह दर्द पीड़ा और नुकसान का सामना करती हैं। शी लॉसेस हर डियर मदर टू इन द वार। तो वे युद्ध में अपनी प्यारी माँ को भी खो देती हैं। हेडिंग है इवैक्यूएशन निकासी। व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो द नाजी आर्मी स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग ऑल द ज्यूज फ्रॉम यूरोप। तो नाजी सेना ने यूरोप से सभी यहूदियों को निकालना शुरू कर दिया। द नरेटर एंड हर मदर बिकेम वेरी इनसिक्योर। वर्णनकर्ता कहानीकार और उसकी माँ बहुत असुरक्षित हो गई। हेडिंग है फ्रेंडशिप विथ मिसेस डोरलिंग। मिसेस डोरलिंग के साथ मित्रता। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समयावधि के दौरान, एन ओल्ड acquaintance मीन्स परिचित, अब मिसेज एस की एक परिचित बिकेम हर फ्रेंड, उसकी मित्र बन गई। एंड ऑफर टू कीप ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स इन हर सेफ कस्टडी। और उसकी सारी बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रखने की पेशकश करती हैं। मिसेज एस वॉज अ नोबल एंड ट्रस्टिंग लेडी। मिसेज एस एक नेक और भरोसेमंद महिला थी। शी अलाउड मिसेज डोरलिंग टू टेक अवे हर प्रेशस थिंग्स। उन्होंने श्रीमती डोरलिंग को अपनी कीमती चीज़ों को ले जाने की अनुमति दे देती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हर लॉस, उनका नुकसान। द नरेटर सर्वाइव्ड इन द वार। कथाकार युद्ध में बच गई। शी केम बैक टू हर ओल्ड सिटी। वह अपने पुराने शहर लौट आई। नाउ हर मदर वॉज डेड। अब उसकी माँ मर चुकी थी। हर हाउस बिलोंग टू समवन एल्स। उसका घर दूसरे के पास जा चुका था। शी हैड नो वर्डली पजेशंस। उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं थी। पजेशंस मीन संपत्ति। स्टिल शी इज हैप्पी टू बी अलाइव। फिर भी वह जिंदा रहकर खुश है। शी इज ट्राइंग टू मेक अ लाइफ फॉर हर सेल्फ। वह अपने लिए एक जीवन जीने की कोशिश कर रही है। हेडिंग है हर डिजायर, उसकी इच्छा। वन डे शी डिजायर टू गो टू मिसेज डोरलिंग्स हाउस। एक दिन वह श्रीमती डोरलिंग के घर जाना चाहती थी। एंड सी ऑल हर मदर्स प्रेशस थिंग्स। और अपनी माँ के सभी कीमती चीज़ों को देखना चाहती थी। गोइंग देयर, वहाँ जाकर, शी सीज दैट ऑल हर मदर्स ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बिकम टेस्टलेस। वहाँ जाकर वह देखती है कि उसकी माँ की सभी सुंदर वस्तुएँ बेस्वाद हो गई हैं, निस्वाद हो गई, टेस्टलेस हो गई हैं। मिसेज डोरलिंग वाज यूजिंग देम। श्रीमती डोरलिंग उन वस्तुओं का उपयोग कर रही थी। द नरेटर लॉसेस ऑल इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। कथाकार कहानीकार उन चीज़ों में रुचि खो दी थी। हेडिंग है कंक्लूजन, निष्कर्ष। फाइनली अंततः शी डिसाइड्स टू लीव हर मदर्स थिंग्स। अंततः वह अपनी माँ की चीज़ों को छोड़ने का फैसला करती है। शी फॉरगेट्स देम फॉर एवर बिकॉज द थिंग्स विल इवोक हर मदर्स मेमोरीज। तो वह उन्हें उन चीज़ों को भूल जाना चाहती है क्योंकि वे चीज़ें उसकी माँ की यादों को ताज़ा कर देंगी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, शी इज अ ब्रेव एंड अ करेजियस गर्ल। वह एक साहसी और बहादुर लड़की है। शी फेसेस द चैलेंज ऑफ अ लोनली लाइफ आफ्टर द वार इज ओवर। तो युद्ध समाप्ति के बाद वह एकाकी जीवन की चुनौतियों का सामना करती है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।